Hurum. आज कुरम शहजाद ने जिस तरह बॉलिंग की थी वो ज़बरदस्त छाए रहे और उनकी जो गेंदें वाकई वो शुएब अख्तर की तरह तेज़ जा रही थी। वो 150 प्लस से गेंद करवा रहे थे और उसकी गेंद के अंदर वो शॉर्ट बॉल और वो जो इन स्विंग जा रही थी और आउट स्विंग नसीम शाह की बिल्कुल अपोज़िट उन्होंने गेंद की है। नसीम शाह से ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस वाली गेंदें की हैं और नसीम शाह भी जल्द कम बैक कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद जो है आज शुएब अख्तर की तरह लगे क्योंकि अंदर एग्रेसिव था और वो बॉलर से घबरा बैट्समैन से घबराते नहीं थे बल्कि अच्छे बॉलर की तरह उन्होंने अपनी लाइन बिल लेंथ बिल्कुल नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से वो 3 विकटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की और 2 विकटें इनकी हैं खुर्रम शहजाद की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और उनके ओपनिंग बल्लेबाजों को बिल्कुल जो है गेंद को वो समझ नहीं सके और गेंद जो है वो बिल्कुल जो है अपने टारगेट पे फेंकते रहे खुर्रम शहजाद, क्योंकि जिस तरह वो PSL के अंदर खेले हैं उसी टेक्निक थे। और उसके बाद पाकिस्तान नेशनल एकेडमी के अंदर जब पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने टूर के लिए उसे प्रैक्टिस की तो उस वक्त खुर्रम शहजाद जो है बाबर आजम को 2 दफ़ा आउट कर चुके थे क्योंकि उनकी गेंद के अंदर वो एबिलिटी है, वो स्पीड है जिसकी वजह से वो इन आउट करवाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे शुएब अख्तर ही आ रहे हैं, उनके अंदर वो एग्रेसिव है और मोहम्मद आसिफ की तरह वो इन आउट स्विंग करवाते हैं। इस की बदौलत है पाकिस्तान ने कमबैक किया है। 142 पे अभी जो है ना 2 खिलाड़ी आउट हुए थे थोड़ी देर पहले और जो खुर्रम शहजाद ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और वो गेंद को संभल नहीं पाए, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है खुर्रम की वो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो तेज़ तरीन पिच जो है लाहौर के अंदर बनाई गई थी और उसके ऊपर उन्होंने बॉलिंग की थी, फील्डिंग की थी और उसका जो क्रेडिट है वो उनके मिल रहा है। और नेक्स्ट मैच जो होगा 14 दिसंबर को शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जो फाइनल तीसरा होगा वो 3 जनवरी को होगा 2024 के अंदर। तो पाकिस्तान की टीम ने इस तरह जो बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली तारीफ़ करनी होगी पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज तो कुछ न पाया लेकिन शान मसूद ने कैप्टन बनते ही एक धुआंधार बैटिंग की है और 201 स्कोर बनाया है। 298 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 14 छक्के हैं और 5 छक्के हैं, 14 चौके और 5 छक्के हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए शान मसूद की वाकई वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तवक्कुआत तो बाबर आजम पर, नेक्स्ट मैच जो है
उसमें बाबर आजम तो वैसे ही रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर उनको कुछ होता है तो फिर बाकी प्लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बल्कि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से वो जो स्कोर है वो बढ़ता रहता है। चाहे देखिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें जो हैं चाहे इनकी विकटें गिरते ही रहें लेकिन फिर भी ये स्कोर बनाते रहते हैं। तो आज सारी तारीफ़ जो कर रहे हैं हम खुर्रम शहज़ाद की, जिन्होंने 22 स्कोर देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया और उनकी परफॉर्मेंस ने सभी के दिल मोह लिए, और जिस अंदाज से वो कराची में उन्होंने बॉलिंग करवाई थी इधर भी उसी अंदाज में उन्होंने बॉलिंग करवाई है। खुर्रम शहज़ाद जो है एक नए और यंग और स्पीड स्टार बॉलर हैं, वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। आज शहनशाह आफरीदी जो है उन्होंने रेस्ट की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को पुश करें, शहनशाह आफरीदी ने आज रेस्ट की है, उनके मुतबादल और